ये तो आपने सबसे सुना होगा कि भगवान भाव के भक्त हैं। लोग कैसे भी पूजा करते हैं, कैसे भी आराधना करते हैं, एक वाक्य बोल देते हैं, भगवान तो बस भाव के भक्त हैं। भगवान का क्या है, भगवान तो भाव के भक्त है, भाव होना चाहिए। आप सबसे सुनते हैं बस भाव होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान किसी चीज के भूखे नहीं, वो ईश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। हम उनकी भूख नहीं मिटाते, वो हमें तृप्त करते हैं, वो हमारे मन को शांत करते हैं। उनका हमारे साथ होना अनिवार्य है, हमारा उनके साथ होना अनिवार्य नहीं। हम सोचते हैं कि हम उनको पूजते हैं, हम सोचते हैं कि हम उनकी सेवा करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो सारी सृष्टि को चलाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमसे बेहद प्यार करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं जिसकी हम कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो पहले तो दिमाग से ये हटा दो कि वो भाव के भूखे हैं और हम उनके भाव को तृप्त करते हैं। नहीं, ये प्रसंग ध्यान से सुनिए, ये प्रसंग आपको समझाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन की सच्ची घटना है। एक संत वृंदावन में रहते, भगवान के अनन्य भक्त, ठाकुर जी के अनन्य भक्त, ठाकुर जी की नित्य सेवा करते, श्रृंगार करते, भोग लगाते, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से, बेहद प्रेम। सारा दिन चला जाता था कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही जपते रहते। एक दिन किसी कारण से उन्हें वृंदावन से बाहर जाना, एक दिन के लिए बाहर जाना, तो अपने एक शिष्य को कहा कि सुनो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मेरे ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी का ध्यान रखना, समय से भोग लगाना है, श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करनी, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, उनकी सेवा कर। सच्चा भाव था इन संत का, बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, चिंतित होते थे तो ठाकुर जी के लिए, खुश होते थे तो ठाकुर जी के, हर सुख और दुख शुरू होता था और समाप्त होता था ठाकुर जी, सुख शुरू होता तो ठाकुर जी पर, दुख शुरू होता तो ठाकुर जी, सब कुछ ठाकुर जी का, सुख और दुख हर चीज ठाकुर जी, बेहद प्रेम करते थे। मन को मार करके वृंदावन से बाहर जाना पड़ा किसी काम से, चले गए। इधर शिष्य ने सोचा कि बरसों बाद गुरु जी ने कहा है कि मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, ठाकुर जी की सेवा करना, बस यही मौका है गुरु जी को प्रसन्न करने, ठाकुर जी को अच्छे से नहलाता धुलाता हूं, श्रृंगार करता हूं, फिर भोग लगा। तो उसने क्या किया, ठाकुर जी को लिया, ठाकुर जी की पोशाक उतारी और बोला कि ठाकुर जी को इतने दिन से बस साधारण पानी से नहला रहे हैं, इतना मैल हो गया है, मूर्ति गंदी दिखने लगी, थोड़ा सर्फ के पानी से नहला लें। तो पानी से नहलाने लगे, उसमें सर्फ मिला दिया। जब सर्फ पानी में मिला दिया तो ठाकुर जी की मूर्ति से वो चिकनाहट निकलने लगी, थोड़ा सा मैल नहीं निकला, मूर्ति बरसों पुरानी थी। तो सोचा कि ऐसे नहीं निकल रहा है, तो जो बर्तन साफ करने वाला, वो एक लोहे का जिसे जगह जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, स्क्रबर भी बोलते हैं उसको, तो स्क्रबर लिया और ले करके उससे रगड़ने लगा ठाकुर जी की देह, हाथों को, गले को, पीठ को, पैरों को, हर जगह से रगड़ने लगा। देखते देखते ठाकुर जी की तस्वीर बिल्कुल नई हो, ठाकुर जी एकदम नए दिखने लगे, साफ सुथरे दिखने लगे, चमकने लगे ठाकुर जी। बड़ा खुश हुआ ये कि गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे देख करके, ठाकुर जी बिल्कुल नए बना दिए, वस्त्र पहनाए, पूजा पाठ किया, भोग लगाया, रात्रि हो गई। इधर संत जो है दूसरे शहर विश्राम कर रहे, सो रहे, रात्रि का समय था, ठाकुर जी सपने में, उन्हीं के ठाकुर जी, वही विग्रह सामने खड़ा है। ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बह रहे, ठाकुर जी रो रहे और ये संत बड़े दुखी हैं, परेशान है, कह रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसे क्यों, क्या गलती हो। और संत देख रहे हैं कि ठाकुर जी के हाथों से, पैरों से, हर जगह से लहू निकल रहा है, खून निकल रहा है। जहां मुकुट बांधते हैं वहां पर खून निकल रहा है। संत बड़े परेशान है, संत कह रहे हैं ठाकुर जी ऐसा कैसे हो,
मेरे सुंदर ठाकुर जी, मेरे प्यारे ठाकुर जी, जिन्हें देखता मैं थकता नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं ठाकुर जी, ऐसे कैसे हो? बड़े दुखी हो, सपना टूटा, आंखें खुली, आंखों से अश्रु बह रहे, बौखला गई, घबरा गई, वहीं से भागे वृंदावन। भागते भागते वृंदावन पहुंचे, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ, ठाकुर जी ऐसे कभी दिखाई नहीं, ठाकुर जी ऐसे कभी नहीं दिख सकते, ठाकुर जी रो रहे थे, ठाकुर जी को लहू निकला था, ऐसा कैसे हो सकता। भागे भागे अपने आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचे, ठाकुर जी के पास गए, देखा ठाकुर जी मंदिर में विश्राम कर रहे हैं, मूर्ति चमक रही है। अपने शिष्य को बुलाया, क्या किया तुमने, क्या हुआ? तो शिष्य ने बताया कि ठाकुर जी बड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी की मूर्ति पर बैल चढ़ गया, तो मैंने क्या किया, सर्फ का पानी लिया, उससे धोया, फिर स्क्रबर से रगड़ा, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के एकदम साफ बना दिया। ये अपने भाव में बता रहा, ये बता रहा था, देखो मैंने चमका दिया ठाकुर जी को, अच्छे लग रहे हैं ना गुरु जी, लेकिन आप अर्धरात्रि में वापस कैसे आ गए? गुरु जी बहुत रो, गुरु जी ने कहा कि ये तूने क्या किया, मेरे ठाकुर को इतनी चोट पहुंचाई, मेरे ठाकुर स्वप्न में आकर रो रहे थे, मेरे ठाकुर को रगड़ रगड़ के धोए, तू कह रहा है मेरे ठाकुर को चमका दिया तूने, नया बना दिया तूने, मेरे ठाकुर को इतनी परेशानी दी तूने। तो शिष्य बोला, महाराज ये मूर्ति ही तो है, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, मूर्ति तो साफ की है मैंने गुरुदेव, मैंने तो सोचा था कि आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप तो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। तो संत ने कहा कि ये मूर्ति नहीं है, और कोई भी विग्रह मूर्ति नहीं होता है, हम अपने भाव से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर को निमंत्रण देते, ईश्वर कण कण में हर जगह साक्षात, कोई भी व्यक्ति जब आराधना करता है, पूजा करता है, वहां भगवान उसको सुन रहे होते हैं, भगवान वहां पर होते हैं, कहीं भी कोई मूर्ति होती नहीं है, तब उसके रूप को गढ़ दिया जाता है, उसे आकृति दे दी जाती है, अपनी भावनाओं से उसे सींचा जाता है, उसे निमंत्रण दिया जाता है, अपने मन की बात उसे कही जाती है, तो मूर्ति नहीं रहती। हम सब यही शीश झुकाते हैं ना, इन्हीं से प्रार्थना करते हैं ना, इन्हीं को भोग लगाते हैं ना, तो यहां मेरे ठाकुर रहते हैं, तभी भोग लगाता हूं, तभी शीश झुकाता हूं, तभी प्रार्थना करता हूं। पूरी सृष्टि के निर्माता है, अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है, कण कण में ही, अपने भाव को भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। मूर्ति नहीं है, ईश्वर है, परमेश्वर है। शिष्य को बड़ा पश्चाताप, भाव तो शिष्य का भी सही, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं, उस भाव में सिर्फ वो मूर्ति। आप अपने भाव सच्चे रखिए, सरल रखिए, किसी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, सच्चे ध्यान की आवश्यकता है, सच्चे प्रेम की आवश्यकता है, सरलता की आवश्यकता है। आप जो अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप अपने समय को ऐसे ही जाया कर रहे हैं, ऐसे ही खराब कर रहे हैं? दिन में 15 मिनट जो आप निकाल रहे हैं पूजा पाठ के लिए, बस आपने ऐसे ही अपनी बातें कह दी और एक खाना पूर्ति हो गई और आप उठकर चल दिए और अपने आप काम हो गए? नहीं, आपकी जीवनचर्या इसलिए चल रही है क्योंकि आपके मंदिर में भी जब आप अपने ईश्वर से बात करते हैं, वो आपकी हर बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर होते हैं, वो कण कण में हर जगह सरलता में रहे। जो भोग लगाते हैं, आप भोग उन्हें नहीं लगाते, आप अपने भोजन को प्रसाद जैसा बनाते हैं, अपने भोजन को इस योग्य बनाते हैं कि आप उसे अमृत पान की तरह ग्रहण कर सके। आपको क्या लगता है कि भगवान आपका भोजन ग्रहण करते हैं? भगवान तो आपके दिए हुए उस भोजन को, जिसे आप कहते हैं कि मैं भोग लगाता हूं, उस भोजन को आपके लिए अमृत बनाते हैं। ये हमारी गलतफहमी कि हम भगवान को तृप्त करते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान हमें तृप्त करते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं,
वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। बस हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए, सिर्फ विश्वास सच्चा होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।